हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक आईओटी होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करेंगे सिनेरिक प्रो प्लेटफॉर्म का, जो कि एक आईओटी प्लेटफॉर्म है। हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे सिनेरिक प्रो, ये पहली वेबसाइट है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको इस पे अपना साइन अप करना पड़ेगा, आप क्योंकि स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल है इसके बारे में, कैसे कैसे आप डिवाइस की प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, साइन अप करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करके, पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं ये अकाउंट क्रिएट का पेज खुलेगा। ये फ्रेंड्स यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड विद 3 डिवाइस फॉर फ्री। ये 3 डिवाइसेस हमको फ्री मिलेगी बिना किसी लिमिटेशंस के। इसके अलावा अगर आपको डिवाइस को रजिस्टर्ड करना है, तो हर एक डिवाइस के लिए अलग से आपको $3 एक साल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिक सी जानकारी यहाँ पे नाम है, ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी है, पासवर्ड है आपका, आप किस टाइम जोन में है इसको सिलेक्ट करके आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, हम लॉगिन करते हैं लॉगिन के पेज पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया अपने सिनेरिक प्रो के। तो ये डैशबोर्ड है, अभी हम यहाँ अपने डिवाइसेस को रजिस्टर करेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डिवाइसेस मिलती है। आ जाएंगे डिवाइसेस पे, यहाँ हम अपना डिवाइस रजिस्टर करेंगे, डिवाइस का नाम दे देंगे हम। अभी फिलहाल हम 3 डिवाइस को रजिस्टर करेंगे और 2 डिवाइस को आपको हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो हम डिवाइस का नाम दे देते हैं, डिवाइस का नाम बल्ब, जो कि हमें एलेक्सा और गूगल होम में ये डिस्प्ले होगा बल्ब के नाम से। ये डिवाइस टाइप हमने स्विच के रूप में लिया है, उसको ऑन ऑफ करना है। देख सकते हैं इसमें ब्लाइंड है, कैमरा, ये बहुत सारी कैटेगरी है इसमें डिवाइस टाइप में, सेंसर्स में। तो हम स्विच के रूप में इसको लेंगे, एपीआई की को डिफॉल्ट रखेंगे। ये किस रूम के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये बाई डिफॉल्ट लिविंग रूम रहता है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अनेबल नोटिफिकेशन के लिए अलर्ट, जैसे कि डिवाइस यदि नेट से कनेक्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा सिनेरिक प्रो के ऐप पे, एलेक्सा या गूगल होम के। तो हम इसको अनेबल कर देते हैं। वैसे जब डिवाइस को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन हमें सिनेरिक प्रो के ऐप पे मिलेगा, और इसको हम अनेबल कर देंगे। तो आगे नेक्स्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स ये ऑटो ऑफ और ऑटो ऑन के लिए है। यदि हमने ये इसको ऑटो ऑफ कर दिया तो जब भी हम ऑन करेंगे वो 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ अपने हिसाब से हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 10 सेकंड या सेकंड के रूप में ही रहेगा कि कितने सेकंड के बाद उसको ऑफ करना है। वैसे टर्न ऑन करने के लिए है कि जब डिवाइस ऑफ ऑफ की जाएगी तो कितने समय के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो इसको भी हम डिसेबल ही रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स इसमें एनर्जी यूजेज है, ये एस्टिमेट रूप में दिखाएगा, बताएगा कि एनर्जी कितना यूज़ किया है आपके डिवाइस ने, और इसको हम अनेबल करते हैं तो वो डिवाइस स्टैंडर्ड रूप से कितना वाटेज यूज कर सकता है वो यहाँ हम सेटअप कर सकते हैं। इसको भी हम अभी डिसेबल रखते हैं, सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे 3 डिवाइस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये डिवाइस आईडी, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट्स, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 कोड भी लिखा है, ये ऑटोमेटिक ESP8266 के लिए कोड भी जनरेट करके देगा, बना के देगा। तो हम 0 कोड को सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने एक ही डिवाइस को रजिस्टर्ड किया है, उसी के लिए और भी हम डिवाइसेस को पहले रजिस्टर्ड कर लेते हैं बाकी डिवाइसेस को। ये एक बल्ब हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, दूसरे डिवाइस को रजिस्टर्ड करते हैं। तो फ्रेंड इसमें भी सेम चीज, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डिवाइस का नाम केवल दे देंगे डिस्क्रिप्शन में उस डिवाइस के बारे में। नेक्स्ट करेंगे, इनको भी हम अनेबल कर देंगे नोटिफिकेशंस के लिए, बाकी ये सेम। ये दूसरी डिवाइस भी हमारी रजिस्टर्ड होगी, ऐसे हम तीसरी डिवाइस को रजिस्टर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 3 डिवाइस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब इनका हम 0 कोड डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये 3 डिवाइस के लिए हमें जीपीआईओ पिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमने ESP8266 के किस जीपीआईओ पिन से इनका कनेक्शन किया है। तो बल्ब के लिए हमने कोई बटन यूज नहीं किया है, हम यहाँ बटन भी यूज कर सकते हैं। ये बल्ब के लिए हम कौन सा जीपीआईओ यूज करेंगे, तो हम इसके लिए 12 नंबर की जीपीआईओ यूज करेंगे। हमें यहाँ अपना वाईफाई का नेम देना है, इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं, इसको हम कोड में सेव करेंगे। कुछ हम भी नाम डाल देते हैं वाईफाई का। तो ये फ्रेंड्स हमारा 0 कोड डाउनलोड हो गया। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये डिवाइसेस में हमारे 3 डिवाइसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनकी डिवाइस आईडी है जिसका उपयोग हम प्रोग्रामिंग के दौरान करेंगे। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में 0 डिवाइसेस ऑनलाइन है और 3 डिवाइसेस ऑफलाइन है। जब ये डिवाइस ऑनलाइन होगी तभी ये यहाँ पे ऑनलाइन में दिखाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो फ्रेंड ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम कुछ बेसिक से चेंजेस करेंगे, जैसे कि वाईफाई एसएसएस आईडी और पासवर्ड। ये अपने वाईफाई राउटर का आप एसएसएस आईडी और पासवर्ड आप यहाँ प्रिंट डाल देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐप की आते हैं वापस सिनेरिक प्रो के अकाउंट पे, क्रेडेंशियल्स में हमको ये ऐप की मिलेगा और ऐप सीक्रेट्स दोनों मिलेंगे।
इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वैसे ही ऐप सेक्रेट्स को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमने तीन डिवाइसेस को रजिस्टर्ड किया था तो उनके स्विच आईडी है सभी के अलग अलग, उनको कॉपी और पेस्ट करेंगे। ये डिवाइस में हमें ये मिलेगा बल्ब की, एलईडी और टीवी की, तीनों की कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे स्विच आईडी वन में 1, 2 और 3 में पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ ESP8266 में हमने तीन डिवाइसेस लिए हैं, उनको रिले 1 और 2 और 3 से कनेक्ट करेंगे। इनको पिन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ये GPIO 12, 13 और 14 से कनेक्ट रहेंगे, मतलब D6 और D7 और D5 के पिन से कनेक्टेड रहेंगे ESP8266 के। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे नाम दिया था इनका, वो नाम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे बल्ब, एलईडी और टीवी तीनों डिवाइसेस। तो यहाँ एक के लिए बल्ब है, दूसरा डिवाइस हमारा एलईडी है और तीसरा डिवाइस टीवी है। फ्रेंड्स अभी हमको यहाँ कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमारा कोड अभी कंप्लीट हो गया है। अभी इसको हम अपलोड करेंगे अपने ESP8266 में। तो कनेक्ट करते हैं अपना ESP8266 को अपने लैपटॉप से। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ESP8266 कनेक्ट हो गया हमारा, नोड MCU 1.0 ESP12B, ये पोर्ट नंबर 12 पे कनेक्टेड है। अपलोड करने से पहले हम अपने कोड को एक बार कंपाइल कर लेते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसको हम अपलोड कर देते हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है कोड, यहाँ हम सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं इसका आउटपुट। रिसेट किया हमने, कनेक्टिंग वाईफाई से कनेक्टर रहा ये डिवाइस टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये डिवाइस हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये सीनेट प्रो से भी कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको एलेक्सा और गूगल होम से कनेक्ट करेंगे, तो चलते हैं उसके लिए अपने फोन पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने फोन के स्क्रीन पे, देख सकते हैं हम इसको गूगल होम से कनेक्ट करेंगे। तो गूगल होम को हम ओपन किए, यहाँ जाएंगे डिवाइसेस पे, ऐड डिवाइस करेंगे, वर्क विद गूगल होम, यहाँ सर्च करेंगे सीनेरिक प्रो, कंटिन्यू, अकाउंट को लिंक करेंगे सीनेरिक प्रो के अकाउंट को, सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट लिंक हो चुका है गूगल होम से, ये हमारे तीनों डिवाइसेस को शो होगा यहाँ पे। देख सकते हैं तीनों डिवाइसेस के नाम हमारे दिखने लगा, टीवी, एलईडी और बल्ब। इनको हम असाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारे दोनों बल्ब और एलईडी लाइट में असाइन हो गए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा 8266 है, हमने यहाँ ये दो रिले का सेटअप लिया है और इसके साथ दो हमने बल्ब लगाए हैं। दोनों रिले को हम ये 8266 के D5 और D6 से कनेक्ट किया है, एक पिन को हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास दो रिले ही उपलब्ध थी। हम ये AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आते हैं अपने फ़ोन पे, ये गूगल होम ऐप खोल ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं लिविंग रूम में हमारी दो लाइटें और एक टीवी शो रहा है, हमने इसको ऑन किया, दोनों एक साथ ऑन हुए। दोनों एक साथ ऑफ हुए। अभी हमने बल्ब को ऑन किया, एलईडी को ऑन किया। आप फ्रेंड देख सकते हैं ये सीरियल मॉनिटर पे भी सेम प्रिंट हो रहा है। गूगल असिस्टेंट का यूज करेंगे, एलईडी ऑफ। ये फ्रेंड एक ही डिवाइस को एक्सेस कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा गूगल होम ऐप से कंट्रोल होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।